आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत अंतर्गत महानगर जबलपुर द्वारा आज राष्ट्रीय ग्राहक दिवस का आयोजन जिला अध्यक्ष कार्यालय में हर वर्ष की तरह हुआ। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष परविंदर जीत सिंह बिंद्रा ने खाद्य विभाग द्वारा प्रदर्शित सामग्री कभी राशन दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती, इस तारतम्य में प्रांत कोषाध्यक्ष मंजू वैश्य ने कहा उपभोक्ता दिवस की जगह आयोजन का नाम ग्राहक दिवस होना चाहिए व पेट्रोल पंप पर नाप तौल पर ध्यान होना चाहिए। प्रांत संगठन मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का नामकरण ग्राहक दिवस पर बल दिया एवं महानगर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोल का नोजल पारदर्शी होना चाहिए। उपभोक्ता दिवस कलेक्टर कार्यालय में मनाया जाता है तो राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में बैनर भी लगाया जाए और मनाया जाए क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ग्राहक करने की नीति है, उपभोक्त नीति नहीं है। हमारे ग्राहक अपने आवश्यकता ग्राहक करता है। मैं यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाते हैं जो ग्राहकों के हितों की बातें होती है उसके बीच में, जिस प्रकार से गैस के बारे में हम बताते हैं, नाप तोल विभाग के बारे में बताते हैं और इसी प्रकार के ग्राहक जागरण के कार्यक्रम यहाँ पर कार्यक्रम लोग प्रकाश डालेंगे। और यहाँ पर अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे भारत पेट्रोलियम से भी आए हैं, वो अपने सैंपल्स वगैरह लेकर आए हैं अपने गुणवत्ता दिखाने के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे जो सिविल सप्लाईज हैं, सिविल सप्लाईज वाले भी आए हैं, उन अपना जो उनकी सामग्री जो सप्लाई करते हैं उस विषय पर मैंने उनसे चर्चा की कि देखिए जो आपने यहाँ पर अभी सैंपल्स यहाँ रखे हैं, ये सैंपल्स और जो हमारे राशन की दुकानों में जो क्या कह लीजिए खाद्य सामग्री वितरित की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने एक नई बात आज बताई है हमें कि देखिए साहब, हम तो वहाँ से यही सामान सप्लाई करते हैं और राशन की दुकान में वो क्या वितरित करते हैं और क्या नहीं करते इस बात से हमें मालूम नहीं है। तो मैं ये प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूँगा कि बहुत विडम्बना की बात है कि हमारे शहर में सिविल सप्लाईज A1 चीज़ सप्लाई करती है, एक नंबर का चावल, एक नंबर की गेहूँ सप्लाई करती है और जब वो चीज़ हमारे ग्राहक के पास में आती है तो वो बहुत ज़्यादा जाला लगी हुई, घुन लगी हुई वस्तु में आती है। तो ये विषय हम इस बार बहुत इसको हम समझते हैं कि इसका मुद्दा बनाकर उठाएंगे, प्रशासन के सामने रखेंगे इस बात को। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रांत अध्यक्ष परविंदर जीत सिंह बिंद्रा जी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से आज हम जबलपुर महानगर के समस्त पदाधिकारी, महाकौशल प्रांत के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको आज अखिल भारतीय ग्राहक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम लोगों की एक डिमांड यह है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता दिवस की जगह इसको ग्राहक दिवस किया जाए क्योंकि यह ज़्यादा कहना चाहिए अच्छा उन्नत शब्द है। हम लोगों की डिमांड कई प्रकार की, अभी हम लोगों ने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन भी दिया है जिसमें जबलपुर शहर के अंदर जो अतिक्रमण के जाल की वजह से कहीं के भी लेफ्ट टर्न नहीं खुले हुए हैं, यातायात बाधित हो रहा है, उसकी भी समस्या हम लोगों ने उनके सामने उठाई है। उसके अलावा अन्य समस्याओं से भी उनको अवगत कराया है, जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जो मात्रा है वो ज़्यादातर ग्राहक ऐसा कहते पाए जाते हैं कि हमारा एवरेज कम मिल रहा है गाड़ी का, तो या तो पेट्रोल की गुणवत्ता सही नहीं है या फिर वहाँ पर माप सही नहीं है। इसी में हमारे संगठन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी ने अपनी बात करी है कि नोजल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो इस तरीके क्यों है कि उसमें दिखता ही नहीं है कि पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम लोग ग्राहकों के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि ऐसी बातें हम लोग उठा रहे हैं प्रशासन के सामने जिससे कि ग्राहकों का हित हो। कई जगह लोग ऑनलाइन में भी फंस जाते हैं और बड़े बड़े मॉल में जा करके, बड़ी बड़ी दुकानों में जा करके बड़े महंगे सामान खरीदते हैं जबकि वही सामान बगैर टैग वाला हमको कम रेट में मिल जाता है। तो ग्राहकों के हित संवर्धन के लिए हम लोग जितना हो सकता है, जितने हमारा बल है, हमारे पास संख्या बल है, जितने हमारे सदस्य हैं उसके हिसाब से हमारा जो ग्राहक पंचायत बहुत काम कर रहा है। मैं पीके अग्रवाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महानगर जबलपुर।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।